सच्चिया मोहब्बत ने भावांग जिया मैं तेरा कहलावांगा। आज फिर से आपका छोटा भाई आपके लिए लेकर आ गया एक काफ़ी कमाल का धमाकेदार वीडियो, जो कि काफ़ी आप लोग पसंद करने वाले वीडियो का। वीडियो को पहले आप अच्छे से वॉच करो, उसके बाद आपको समझ में आ पाएगा कि इस तरीके का वीडियो जो है कैसे एडिट करें। वीडियो काफ़ी आसान होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक वॉच करना एंड वीडियो के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना, बारीकी से समझना, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियो क्रिएट कर पाओ। तो चलिए फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को आपको ऑल पे सेट करना है, ताकि जो नोटिफिकेशन रहे वो मिलता रहे। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको कुछ इमेजेस मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। आपने अगर टेलीग्राम के ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना है PNG इमेज फॉन्ट वगैरह को डाउनलोड करने में। तो सबसे पहले आप जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जल्दी से जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अभी भाई। उस पर हमारे 8.3 के बंदे, मतलब 8.5 तक बंदे हैं आपके भाई, 8.5 भाई आपके जुड़े हुए हैं, आप भी आकर जुड़ जाओ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक आपको प्ले स्टोर से एक आपको इमेज डाउनलोड करना हो, इमेज नहीं एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले डाटा को हम ऑन कर लेते हैं। डाटा को ऑन कर लेने के बाद बिना डाटा काफ़ी चल जाता है ये। ऐसा नाम है इसका मोशन लिप, क्या नाम है उसका है मोशन लिप। आप इस पर टैप करो एंड टैप करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगेगा। दिन न्यू क्रिएशन पे टैप करके आपको यहाँ पे जो इमेज आपको लेना है, जैसे ये इमेज हम ले लेते हैं, ये वाला इमेज है, इस इमेज को हम सबसे पहले ले लेते हैं, मतलब फोटो से मोशन बनाना है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से सबसे पहले इसे हम ओके पे क्लिक कर दें, मे भी लेटर हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है, जब आपने इमेज सेलेक्ट करा है तो उसके बाद आपको एनिमेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एनिमेट आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पे पाथ का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, आपको पाथ वाले सेक्शन पे टैप करके इधर जो इधर है इस तरीके से इधर को ऐसे कर लो, इस तरीके से समझ रहे हो ना। इस तरीके से आपको इधर को ऐसे, इधर ऐसे एंड देन इधर ऐसे, इस तरीके से जिधर मोशन करवाना है उस तरीके से आप इधर कर लो, देख रहे हो ना। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको लाइक उसी प्रकार से कर लेना है, नीचे में नहीं करो बस ऊपर में करो। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से मोशन होगा, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे एंड ये इधर जाएंगे, कुछ इस तरीके से। चलो यहाँ तक तो आपका हो चुका है एंड देन अब किस इस इन लोगों को तो इधर जाना है, लेकिन किसे रुकना है, रुकना किसे है, तो रुकना है इन फोटोज़ को, फोटोज़ को हमको रोकना है। तो फोटो को रोकना है तो बस ये हो गया आपका इधर। उसके बाद थोड़ा सा इधर जाओगे तो एक फ्रिज का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको फ्रिज वाले सेक्शन पे टैप करके अब जिन जिन पार्ट को आपको रोकना है उस पार्ट को आप फ्रीज कर दो, मतलब कि यहाँ पे मूर्ति जैसा बना दो। तो हम इस तरीके से इसे रंगीन कर देते हैं, देख रहे हो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको कुछ इसी तरीके से कर लेना है। फ़ोटो के बाहर चला जाए लेकिन फ़ोटो के अंदर नहीं रहना चाहिए, देख रहे हो ना, पूरा फ़ोटो सिलेक्ट हो जाए ऐसा करो आप। इसलिए फ़ोटो को थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान से करना कुछ इस तरीके से। मैं जैसे कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से बता दूँ, मैंने कुछ किया था तो उसमें गड़बड़ होगा, फ़ोटो पूरा कवर हो जाना चाहिए, ध्यान में रहे। फ़ोटो के बाहर चला जाए, ये जो कलर मैं रंग रहा हूँ ये फ़ोटो के बाहर चला जाए लेकिन फ़ोटो के अंदर नहीं रहना चाहिए कुछ इस तरीके। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से जूम करके आप कर लो, लेकिन यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक मिनट का तो काम है ये, थोड़ा सा जूम आउट करके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं ये वर्क, बस हल्के से काम में भी हो सकता है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि फ़ोटो को पूरे फ़ोटो को आपको कवर कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, है ना। फिर इतने पार्ट को हम फ्रीज करेंगे, अब जो पार्ट छूटे हुए हैं आपको अच्छे से यहाँ पे देखकर कर लेना है इस तरीके से, जैसे हमने करा है यहाँ पे आपको कर लेना है। अब इतना करने के बाद एक बार वीडियो को प्ले कर देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, देख रहे हो ना। अब ये थोड़ा जो है ना भाई थोड़ा सा स्लो है, तो इसे हम स्पीड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बंद करते हैं, यहाँ पे स्पीड वाले सेक्शन पे टैप करके स्पीड को हल्का हम बढ़ा देंगे, मतलब चलो 25 तक कर लेते हैं। अब वीडियो को प्ले किया जाएगा तो देखिए सही है ना, फिर 25 तक सही रहेगा, देख रहे हो ना इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो पार्ट है यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका रुका हुआ है, फ्रीज हुआ हुआ है, तो यही थोड़ी थोड़ी गलती है जो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा उसे भी ना यहाँ पे अनफ्रीज उसे करते हैं, उस पार्ट को अनफ्रीज करते हैं ताकि वैसा ना लगे। इस तरीके से थोड़ा सा जूम करके आप कर लेना इस तरीके से, देख रहे हो ना। चलो फिर सही है, चलो हो गया। अब देखो कुछ इस तरीके से आप देखने में काफ़ी कमाल का ही ऊपर लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में नहीं जा पा रहा है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लो, इधर में कर लेना है, इधर में कर लेना है, थोड़ा सा इधर, इधर भी इस तरीके से। चलो फिर से प्ले करते हैं, चलो फिर हो चुका है ना इस तरीके से आपका। देखो यहाँ पे आपको जब एक्सपोर्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, अगर आप और भी स्पीड अप करना चाहते हो
तो और भी स्पीड इस तरीके से कर सकते हो, ये और भी स्पीड जाएगा, और कम करना चाहते हो तो कम भी हो जाएगा, मतलब आप अपने हिसाब से इसे देख लें। 35 तक भी सही रहेगा, मतलब इतना तक हो चुका है। अब उसके बाद इसे प्ले हुआ जो इसे रोक देते हैं एंड देन एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर ड्राइव करके, अब यहाँ पे क्या है कि आपका कितना का रेशियो में रखना चाहते हो। तो इंस्टाग्राम का रेशियो क्या है, 9:16 का रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ड्यूरेशन क्या रखना चाहते हो, ड्यूरेशन का भी ऑप्शन दे हुआ है, ड्यूरेशन क्या रखना चाहते हो, तो ड्यूरेशन हम लगभग 15 सेकंड तक रखना चाहते हैं, ड्यूरेशन 80 सेकंड तक रख लो। एंड क्वालिटी बताओ, क्वालिटी को अपने हिसाब से रख लें, तो क्वालिटी को हम 2K तक रख लेते हैं, क्वालिटी को हम 2K तक रख लेते हैं। एंड नहीं इतना नहीं, यहाँ पे अगर रखते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। नहीं नहीं यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये नहीं करना है आपको, बस 180 भी सही है, 180 तो कम थोड़ी ही देगा ना, ये भी सही देता है, अगर वो करोगे तो आपको पैसा लग जाएगा। इस तरीके से ये एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक आपको वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड ये हो ही रहा है, अब हो ही जाएगा, ये 70, 80, 90, 20 बस 1 सेकंड का काम है, ये बस हो जाएगा। 98 चलो हो चुका है, वीडियो सेव टू गैलरी, अब गैलरी में तो हो गया, चलो इसका काम हो गया, मोशन लिप का काम था जो हो चुका है। आपको डाटा को ओपन करना है एंड देन आपको एक VPN को कनेक्ट करना है, सिक्योर VPN है, ये VPN को हमने ओपन करा। एंड ओपन कर लेने के बाद इसे ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस वेट करना है एंड थोड़े टाइम में ये ओपन हो जाएगा कनेक्ट। अब हम इसे कर लेते हैं, कनेक्ट हो चुका है भाई। अब कैपकट के वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पर टैप कर लेना है। अब जो आपने वीडियो 18 सेकंड का था वो आपको ऐड करना है, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कर लेने के बाद भाई आपका वीडियो तो बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ मतलब सॉन्ग वगैरह देने, ऑडियो देने, तो ऑडियो देने के लिए ऐड ऑडियो पे हम टैप करके, मेरे पास एक काफ़ी कमाल का वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो उस सॉन्ग को हम ऐड कर लेते हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, आपने अगर सुना होगा तो काफ़ी आपको भी मज़ेदार लगा होगा, आपने ऐसे प्रीव्यू में तो सुन ही लिया होगा ना, तो सॉन्ग बहुत बेहतरीन है, आप इस सॉन्ग का यूज करो मेरे अपने भाई के लिए ना, आप एक सॉन्ग इस सॉन्ग पे ना एक वीडियो जरूर बनाना, आपका भाई का ये फेवरेट सॉन्ग है। तो देखो ये यहाँ पे आ चुका है, अब थोड़ा सा हल्का हम बढ़ा देंगे इसे, ये आपका हो चुका है, अब सॉन्ग आपका हो चुका है। अब यहाँ पे एक इफेक्ट आपको लगाना चाहिए, कौन सा इफेक्ट है, वो है आपका ब्लर इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले सेक्शन पे टाइप करके यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है एंड देन थोड़ा सा वेट होने लगेगा, लेकिन ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में ही आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे हेलो ब्लर, आपको मिल जाएगा हेलो ब्लर, हेलो ब्लर को बस ओके पे क्लिक कर दो आप। अब जितना आप ड्यूरेशन रखना चाहते हो बस उतना रख लेना, तो थोड़ा सा हल्का बढ़ा देते हैं इतना है। अब वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसा आपका वीडियो यहाँ पे लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा ये होता है ना कि थोड़ा सा इससे एडजस्ट करो एंड स्पीड को आप बढ़ा दो यहाँ पे, मतलब 80 तक रख लो, स्पीड को आप 80 तक रख लो इस तरीके से, तो थोड़ा जल्दी होगा तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरीके से देखिए आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। अब ओपन में एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टाइप करके, अब रेशियो वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, बस एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टाइप करके एक्सपोर्ट कर लो। आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं कल के एक और एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।